नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर और एक ने किया आत्मसमर्पण। बौखलाया पाकिस्तान, अब रिहायशी इलाकों को बना रहा निशाना, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। देश की तरक्की के लिए युवाओं को बनाना होगा सशक्त, कहा उपराज्यपाल ने। और जिला विकास परिषदों के गठन की प्रक्रिया सोमवार को हुई संपन्न। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों और आए दिन आतंकियों के साथ होने वाली मुठभेड़ के बीच सोमवार को एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जवानों ने संयम बरतते हुए पहले तो आतंकियों को समर्पण करने का मौका दिया, इसके बाद भी उन्होंने फायरिंग जारी रखी तो जवाबी कार्यवाही से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान एक आतंकी मारा गया। अपने साथी के मारे जाने के बाद दूसरा आतंकी घबरा गया और उसने समर्पण कर दिया। मेरा नाम है साहिब, मेरा बाप का नाम है मोहम्मद अब्दुल रजा। मैं कुसुमपुर अतराल का रहने वाला हूँ। मैं बीटेक कर रहा था पटियाला पंजाब में, थर्ड ईयर चल रहा है मेरा। तो मैंने मिलिट्री ज्वाइन की थी 25 अगस्त 7 अक्टूबर को। तो आज 26 अक्टूबर को यहाँ पे गार्डन हुआ था, तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने मुझे फिर से मतलब एक मौका दिया है जीने का। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया है जीने का। मैं बाकी लड़कों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये मिलिट्री बस कुछ नहीं है, ये इंसान के मतलब जहन एक ख़राब जहन की मतलब ये है, मतलब ये एक ख़राब जहन है। तो मैं तमाम मतलब लड़कों को या अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि सभी अपने काम से काम रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान बिना उकसावे की गोलाबारी कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहा। रविवार रात हीरानगर सेक्टर के मनियारी और चकचंगा गांव पर पाकिस्तानी सेना ने लगभग 6.5 घंटे भारी गोलाबारी की। लोगों के घरों पर अंधाधुंध मोर्टार के गोले दागे, जिससे 3 घरों की छत व कई घरों की दीवारों को नुकसान पहुंचा। कई पशु भी जख्मी हो गए। पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा केंद्र बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि एक बेहतर और सुखद भविष्य के लिए युवाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। जब हम युवाओं को सशक्त बनाते हैं तो राष्ट्र का भविष्य भी सशक्त बनता है। इसलिए युवाओं में विश्वास से परिपूर्ण सकारात्मक वातावरण तैयार करना होगा। अधिकारियों को युवाओं की समस्याओं और मुद्दों के प्रति संवेदनशील व सजग होकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के गठन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सभी जिला में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में जिला विकास परिषदों के गठन के लिए कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। प्रत्येक जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। शहरी निकाय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। अपनी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर्स कर्मचारियों ने आज ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा के सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डेली वेजर्स कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विभाग पिछले 26 सालों से उनकी सेवाएं ले रहा है, पर अभी तक उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया और 2014 में बीजेपी के चुनावों में उनकी रेगुलराइजेशन का वादा किया गया था, पर सत्ता में आते ही सब भूल गए। इसलिए सभी विभागों के डेली वेजर्स कर्मचारी इनको नींद से जगाने निकले हैं और इनको इनके वायदे याद करवा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि जब तक सरकार उनके रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं लाती, तब तक ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। कई बार जो इस समय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनसे पहले जो थे उनसे भी इस विषय को लेकर चर्चा की है। ये एक प्रोसेस शुरू हुआ था लेकिन किसी कारण वो रुक गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उनसे भी मिले,
और आप लोगों की आवाज उन तक पहुंची हुई है, वो हर एक आपकी डिमांड को जानते हैं। और हमने भी जब बात उनके साथ रखी कि ये जो हमारे भाई हैं सही मायने में फील्ड में ग्राउंड पर यही लोग हैं जो काम करते हैं। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बागे बहू बावे वाली माता मंदिर क्षेत्र का दौरा किया और यकीन दिलाया कि इस क्षेत्र का जल्द ही सौंदर्यकरण किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर इस वार्ड की कॉरपोरेटर शारदा जी के साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। प्रोजेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर एक, जब भी हमें कोरोना है या कुछ और बात होती है तो ये बावे वाली माता हमारी रक्षा करती है जम्मू वासियों की, तो ये भी हमारा धर्म है। हमने इस इलाके को, बड़े गरीब लोग हमारे रहते हैं भाई बहन इस क्षेत्र में, साफ सुथरा, इनको ये भी महसूस करें कि हम भी हार्ट ऑफ द सिटी रहते हैं और हर चीज़ को बढ़िया से बढ़िया। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता कर सरकार पर रिजर्व कैटेगरी लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया और कहा कि सरकार द्वारा अभी तक इनकी प्रमोशन रिजर्वेशन को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्यों अगले पूरे देश के अंदर लागू है 27, व्हाई नॉट इन J&K स्टेट। ये बहुत दुख की बात है, तो लिहाजा हम कहना चाहेंगे अगर जातियां नहीं रुकी, रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं बहाल हुई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा लोग जो SC ST OBC मिनोरिटी के, वो रोडों पर आएंगे, बहुत बड़ी रैली करेंगे, बहुत बड़ी रैली करेंगे, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए। भारतीय सेना के टाइगर डिवीजन द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सद्भावना के तहत डेयरी फार्मिंग और वैल्यू एडिशन ऑफ डेयरी के माध्यम से 15वें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय को स्क्वास्ट जम्मू के RSपुरा परिसर में शुरू किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और सेना के पूर्व सेवा पुरुषों के लिए आयोजित किया गया ताकि वे अपने स्वयं के उद्यम डेयरी फार्मिंग और दूध के मूल्यवर्धन शुरू कर सकें। इस अवसर पर स्कैस्ट जम्मू के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। हमारे साथ दो और प्रोग्राम अभी चल रहे हैं और आगे भी हमने कंसीव किए हैं, जो हमने सोचे हैं वो प्रोग्राम, जैसे एक दो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, दो कोर्सेज चल रहे हैं एक प्रोग्राम के, वो है मशरूम फार्मिंग। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं और आपको एनेबल करती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी भी ये बोलते हैं स्किल इंडिया, ये आपको आपके स्किल लेवल को इंक्रीज कर रही है। वार्ड नंबर 22 की कॉर्पोरेटर जयदीप शर्मा लोगों की बहबूदगी के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं और हमेशा विकास कार्य करवाते रहते हैं। इसी के मद्देनजर आज उन्होंने वार्ड नंबर 22 शास्त्री नगर में वाटर कूलर का उद्घाटन किया ताकि हर आने जाने वाले व्यक्ति को साफ और स्वच्छ जल मुहैया करवाया जा सके। कॉर्पोरेशन की एक मुहिम है कि हर वार्ड के अंदर वाटर कूलर होने चाहिए कि लोगों की पानी की सुविधा बढ़िया और स्वच्छ हो, गंदा पानी ना हो, साफ सुथरा पानी हो और हर जगह पानी उपलब्ध हो और पानी पीने के लिए मिले। उसी के मद्देनज़र मेरे वार्ड के अंदर आगे भी वाटर कूलर लगे हुए हैं। ये हमारा शास्त्री नगर का एक मेन बाजार था, उसके बाद सबसे बड़ी बात है दुर्गा लाली बाबा जी का मंदिर है और साथ में राधा कृष्ण जी का मंदिर है और जहाँ काफ़ी लोगों को आना रहता है। अभी आज का उद्घाटन रखा था तो मैंने अपने बुजुर्ग जिन्होंने कई वर्षों से इस जम्मू कश्मीर को हर लिहाज के साथ देखा है और कौन कौन सरकारें आई, कैसे कैसे नेता आए, तो उनके आशीर्वाद से आज उनसे मैंने इसका उद्घाटन करवाया है, वाटर कूलर का उद्घाटन। जम्मू यूनिवर्सिटी के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज ने आज फिर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बहुत कोशिश कर रही है उनके आंदोलन को दबाने की, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। जो हमारे मसले जो है रुके हुए हैं वो जल्दी जल्दी निकले, हमारी 21-22 डिमांडें थी, हमारी इनसे बात हुई, मीटिंग हुई, हमने कहा चलो बाकी डिमांडें छोड़ो, हम उनके लिए आपको टाइम देते हैं, थोड़ा रुक जाएंगे, बाकी जो हमारे 7 मजले मेजर जो हमारे डिमांडें हैं उनको हल करें, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, काफ़ी हमें नुकसान हो रहा है, वो ताकि हमारी पूरी हो,
तो अभी तक कोई हमारे मसले हल नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को हमारे जल्दी जल्दी मसले हल करें ताकि हमें पोखरदार हंगर स्ट्राइक और दिल्ली टू डेथ पर ना बैठना पड़े। ये हालात जब खराब होंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के। पूर्व बीजेपी सेक्रेटरी राजेंद्र शर्मा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जिसमें उन्होंने कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर मनमानी तरीके से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि उपराज्यपाल को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। कैसे डिस्प्यूट है? पूरा उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। जितनी भी व्यवस्था है जो लोगों को मिलती है, यहाँ वोटर लिस्ट के लिए आप चले जाओ कॉर्पोरेशन के, जब हमारे कहने पे यहाँ काम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे लिख के देते हैं ये ट्रांसफर कर दो, तो वहां से वो लिख के भेजते हैं यू आर इनकॉम्पिटेंट। जब एक डायरेक्टिंग अथॉरिटी हाउस लिख के भेज रहा है कि ये काम ऐसे करना है और ये लोग तो सारे धोखा नहीं करना चाहते, हम साफ साफ आपको बता रहे हैं ये व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं। अब इंजीनियरिंग सेक्शन ले लीजिए, वहाँ ना रेता मिल रहा है ना बजरी मिल रही है। कुछ ट्रॉली वाले वहीं पुलिस स्टेशन के दायरे में। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।